हेलो चिल्ड्रन इन दिस गेट नो वट इज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी चेन टेक्नोलॉजी चेन टेक्नोलॉजी चेन टेक्नोलॉजी चेन टेक्नोलॉजी अब ब्लॉक चेन ब्लॉक चेन क्या है ब्लॉकचेन चेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस और लेजर ब्लॉक चेन क्या है डेटा बेस है या लेजर है लेजर क्या होता है खाता बही ठीक है वो बुक जिसके अंदर कोई भी कंपनी या बैंक क्या करते है? अपना रिकॉर्ड मेंटेन करती है ये पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि हाउ मच मनी हैज बीन पेड और रिसीव फाइन डेट इस शेयर्ड अमONG द नोट्स ऑफ़ अ कंप्यूटर नेटवर्क और यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो कैसे उसको बनाया जा रहा है उसको कंप्यूटर्स मतलब वो रिकॉर्ड क्या है डिजिटल रिकॉर्ड है फाइन ओके okay, तो वो रिकॉर्ड कहाँ पे शेयर किया जा रहा है जितने भी कंप्यूटर्स हैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क में वहां पे शेयर किया जा रहा है उसकी कॉपीज पर्टिकुलर रिकॉर्ड की ओके और उस रिकॉर्ड को हम क्या कह करें ब्लॉक चेन Right? है? है. नेटवर्क में कंप्यूटर्स है राइट उसकी कॉपीज दी गई है वहां पर एज अ डेटाबेस अब ब्लॉक चेन स्टोर इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन डिजिटल फॉर्मेट ओके तो या ये कैसा डेटाबेस है जिसने इंफॉर्मेशन स्टोर uh, uh, किया है डिजिटल फॉर्म में राइट फाइन अ गोल ऑफ ब्लॉक चेन इज़ टू अलाउ डिजिटल इन्फॉर्मेशन टू बी रिकॉर्डेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड तो यहाँ पर ब्लॉक चेन का क्या गोल है क्या वट इट इज़ वट इट वॉन्ट टू डू ब्लॉक चेन का गोल है कि जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल जो हम इंफॉर्मेशन रखते हैं वो क्या हो टू भी रिकॉर्डेड उसको रिकॉर्ड किया जाए और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए राइट एंड नॉट एडिटेड उसको कहीं पर भी चेंज नहीं चेंज नहीं कर सकते फाइन एक हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है जिसको हम क्या चा, चाहते हैं ऐसा नहीं चाहते कि उसे एक प्लेस पे स्टोर करते हैं। हम चाहते हैं कि उसको अलग अलग सिस्टम्स में जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है वहां पे उसकी कॉपी स्टोर की जाए राइट मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एंड इट शुड नॉट बी एल्टर्ड इट शुड नॉट बी एडिटेड और वो डेटा चेंज ना हो फाइन इन दिस वे अब ब्लॉक चेन इज द फाउंडेशन ऑफ इम्यूटेबल लेजर तो यहाँ पे ब्लॉक चेन क्या क्रिएट कर रहा है इम्यूटेबल लेजर ऐसा खाता बहुत uh, जो चेंज नहीं होगा और या फिर ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड जिनको हम चेंज नहीं कर सकते डिलीट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते राइट दिस इज वाई ब्लॉक चेन आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इसलिए ब्लॉक इनको हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग-अलग सिस्टम -अलग पे सेम रिकॉर्ड को सेव किया जाता है बट नो वन इज अलाउड टू डिलीट दैट रिकॉर्ड और टू अल्टर दैट रिकॉर्ड राइट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलाउज ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद इन बिजनेस नेटवर्क तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब क्या है एक ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग को सपोर्ट करती है राइट right? क्योंकि सारे सिस्टम्स पे सेम डेटा सेम रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है राइट right? ब्लॉक चेन डेटा बेस स्टोर डेटा इन ब्लॉक्स ब्लॉक चेन के अंदर डेटा बेस uh, क्या करता है डेटा को किस फॉर्म uh, में स्टोर करता है ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर करता है ओके okay? ब्लॉक्स की फॉर्म में डेटा क्या होता है स्टोर होता है डेटा लिंक्ड टुगेदर इन अ चेन और उनको कैसे लिंक किया जाता है उनको चेन की फॉर्म में लिंक किया जाता है फाइन डेटा को ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा और उनको एक दूसरे से चेन की फॉर्म में लिंक किया जाएगा डेटा इज क्रोनोलॉजिकली कंसिस्टेंट बिकॉज यू कैनॉट डिलीट और मोडिफाई द चेंज विदउट कॉन्सिस्टेंस फ्रॉम द नेटवर्क तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं देटा इज क्रोनोलॉजिकली कंसिस्टेंट डेटा क्रोनोलॉजिकली कंसिस्टेंट होता है मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है डेटा पहला डेटा आया फाइनेंशियल रिकॉर्ड फिर उसके फिर सेकेंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसमें जाके ज्वाइन हो गया फिर थर्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके अकॉर्डिंग टू द टाइम अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री वो चलता है ठीक है ओके ओके एंड बिकॉज यू कैन नॉट डिलीट और मॉडिफाई द चेन आप इस जो चेन है डेटा जो स्टोर हो रहा है उसको ना तो डिलीट कर सकते हैं ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट कॉन्सेज फ्रॉम द नेटवर्क मतलब एग्रीमेंट जितना जो एग्रीमेंट नहीं मिल जाता जब तक कि नेटवर्क के जितने भी नोड्स हैं वो इस इस चीज के लिए एग्री ना हो जाए फाइन एज अ रिजल्ट यू कैन यूज ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी टू क्रिएट एन अनएल्ट अल्ट्रेबल और इम्यूटेबल लेज़र फॉर ट्रैकिंग ऑर्डर्स तो इसकी इस वजह से हम ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट करने में ठीक है जो क्या आ, ऐसा आ, इम्यूटेबल जो इम्यूटेबल क्या होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट करने में फॉर ट्रैकिंग ऑर्डर्स ऑर्डर्स का रिकॉर्ड पेमेंट्स का रिकॉर्ड अकाउंट्स का रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड फाइन तो हम यहाँ पे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड्स बनाने के लिए वैसे वो रिकॉर्ड जिनके अंदर चेंज ना किया जा सके राइट और मोस्टली हम उसका रिकॉर्ड्स किस टाइप के रिकॉर्ड्स हम उसमें आ, की रख रहे हैं पेमेंट्स के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स राइट द सिस्टम हैज़ बिल्ट इन मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन एंट्रीज और ये ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी होती है वो क्या करती है अनऑथोराइज एक्सेस को अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन एंट्रीज को प्रिवेंट करती है फाइन इसमें इस तरीके का मैकेनिज्म होता है कि आप अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन एंट्रीज नहीं कर सकते एंड क्रिएट कंसिस्टेंसी इन द

ओके okay, अब ट्रांजैक्शन प्रोसेस कैसे होता है देखो ट्रांसमिटेड टू ट्रांसमिट किया नेटवर्क में ट्रांसमिट uh, किया जहां जो कौन सा नेटवर्क है पीयर टू पीयर कंप्यूटर्स का पीयर टू पीयर कंप्यूटर्स का कौन सा नेटवर्क होता है जहां पे सारे के सारे सिस्टम्स uh, में क्या होता है इक्वालिटी होती है ओके okay? वहां पे कोई सर्वर नहीं है कोई क्लाइंट नहीं है यहाँ पे पीयर टू पीयर है मतलब ऑल ऑल द कंप्यूटर्स आर इक्वली कैपेबल इन देयर करेक्टरिस्टिक्स राइट ओके और ये क्या है ये नेटवर्क uh, uh कहाँ पे इट इज स्कैटर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं वो थ्रू आउट द वर्ल्ड फैले हुए हैं फाइन हमने क्या किया ट्रांजैक्शन को वहाँ पहुँचा दिया नेटवर्क में दिस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स देन सोल्व इक्वेश वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन अब यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है पहले ये जो आया है इनके पास ट्रांजेक्शन उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे क्या ये ट्रांजेक्शन सही है या नहीं है फाइन Once confirmed to be legitimate legitimate, transaction, they are clustered together into blocks. हाँ legitimate, legal है, accurate है, तो क्या होगा? ये जो transaction है, उसको किस form में cluster बना दिया जाएगा blocks के form में convert कर दिया जाएगा ठीक है क्योंकि ब्लॉक चेन में क्या होता है डेटा किस में स्टोर होता है ब्लॉक्स की फॉर्म में स्टोर होता है फाइन दीज ब्लॉक्स आर आर देन, देन चेंज टूगेदर क्रिएटिंग अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन डेटा परमानेंट और क्या होता है इन ब्लॉक्स को एक चेन चेन की से क्या किया जाता है लिंकअप कर दिया जाता है और एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है ट्रांजेक्शन की जितने भी ट्रांजेक्शन आए हैं उनकी वन ट्रांजेक्शन सेकेंड ट्रांजेक्शन थर्ड ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द टाइम ओके जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आएगा वो पहले लिंकअप होगा सेकेंड देन थर्ड लाइक दिस नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट एक हिस्ट्री आ गई so, है ट्रेडिशनल डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजी प्रेजेंट सिवर चैलेंजेस फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो ट्रेडिशनल डेटा बेस्ड टेक्नोलॉजीज थी ओके उनके पास क्या थे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो उनके थे उनको आ, उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता था उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए फाइन ओके प्रेजेंट सेवरल चैलेंजेस फॉर रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और उनको रिकॉर्ड करने में भी बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ता था ट्रेडिशनल डेटा बेसिस को ओके फॉर इंस्टेंस कंसीडर द सेल ऑफ अ प्रॉपर्टी यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी की सेल होती है ठीक है वंस द मनी इज एक्स एक्सचेंज ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द बायर जैसे ही मनी एक्सचेंज होती है ऑनरशिप किसके पास चली जाती है जिसने उसको खरीदा है बायर के पास इंडिविजुअली बोथ द बायर एंड द सेलर कैन रिकॉर्ड द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन अपनी अपनी जगह पर दोनों अपनी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं सेलर भी और बायर भी बायर भी बट नाइजर सोर्स कैन बी ट्रस्टेड बट दोनों के सोर्स कैन ट्रस्ट नहीं किए जा सकते द सेलर कैन इजली क्लेम दे हैव नॉट रिसीव द मनी जो जिसने सेल किया वो कह, कह, सकता है कि मुझे मनी नहीं मिली है इवन दो दे हैव हालांकि उसको मिल गई लेकिन वो कह सकता है मुझे मनी नहीं मिली है.

से मिल चुके हैं तो यहाँ पे कोई है, कोई, आ, मतलब एक आ, एक लेट वो नहीं है कि जो डिसाइड कर सके कि कि पैसे मिल गए हैं नहीं मिले है, जो जो भी है ओके टू अवॉइड पोटेंशियल लीगल इश्यूज इस, आ, इस लीगल इशू को करने के लिए अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी हैज टू सुपरवाइज एंड वैलिडेट द दशन एक हमें थर्ड पार्टी चाहिए जो पूरा का पूरा सुपरवाइज करे इसको और वेलिडेट uh, करे कि हाँ ट्रांजेक्शन में पैसे के लेन देन हो चुका है या नहीं हो चुका है लाइक दिस ओके द प्रेजेंस ऑफ दिस सेंट्रल ऑथोरिटी नॉट ओनली कॉम्प्लीकेट द ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो क्रिएट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ रिलेबिलिटी ओके तो यहाँ पे क्या है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है ओके okay? और एक दूसरा सेंट्रल uh, ऑथोरिटी को लाने से भी ये कॉम्प्लिकेट्स uh, टान, हो जाता है ट्रांजेक्शन और कमजोर पड़ जाता है हो जाता है ओके इफ द सेंट्रल डेटाबेस बोथ पार्टीज सफर अगर जो सेंट्रल डेटाबेस है जहाँ पे दोनों का हमने डेटा रखा हुआ है किसने बाय किया किसने मनी को दी किसने ली ओके okay? अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो दोनों ही पार्टीज उसमें सफर करें फाइन तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगी ब्लॉकचेन मिटिगेट सच इश्यूज बाय क्रिएटिंग अ डिसेंट्रलाइज टेंपर प्रूफ सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन तो, तो यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करेगा ए डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से रिकॉर्ड को स्टोर करेगा डिसेंट्रलाइज मीन्स एक जगह पे नहीं है रिकॉर्ड मल्टीपल जगह पे उसको आ, क्या, किया गया है रिकॉर्ड किया गया है और टेम्पर प्रूफ और वो ऐसा रिकॉर्ड जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता समझ आया एक जगह पे कोई भी रिकॉर्ड कीप नहीं किया गया है डिसेंट्रलाइज है मतलब मल्टीपल जगह पे उसको स्टोर किया गया है एंड टेम्पर प्रूफ है उसे उस रिकॉर्ड को कोई भी उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड को कोई भी चेंज नहीं कर सकता इन द प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन स्नारियो ब्लॉक चेन क्रिएट वन लेजर ईच फॉर द बायर एंड द सेलर ठीक है तो इस प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन स्नारियो में क्या होता है ब्लॉक चेन क्या करेगा एक लेजर क्रिएट करेगा बायर के लिए और सेलर के लिए ठीक है एक बायर के लिए क्रिएट होगा ओके okay, एंड एक सैलर क्ली क्रिएट होगा ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ द पार्टीज एंड आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड बोथ ऑफ देयर लेजर इन रियल टाइम जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको दोनों पार्टी से अप्रूव किया अप्रूव करवाया जाएगा राइट ओके एंड दोनों के ही जो बनाए गए लेजर दोनों के ही जो हम डेटा uh, बेसिस बनाए गए वहां पे जो भी चेंजेस हुए उनको अपडेट किया जाएगा फाइन एनी करप्शन इन हिस्ट्री ट्रांजेक्शन बिल करप्ट एन टप्शन होता है तो पूरा का पूरा लेजर है जो दोनों के पास वो दोनों का करप्ट हो जाएगा ओके दीज प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है इसका बहुत जगह यूज किया जाता है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ द करेंसी लाइक बिटकॉइन राइट डिजिटल करेंसी की क्रिएशन में भी इसका यूज किया जाता है तो यहाँ पे ब्लॉकचेन का क्या इंपॉर्टेंस है ब्लॉकचेन चेन इज बेसिकली यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स एट मल्टीपल प्लेसेस राइट एंड दीज रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी चेंज्ड फाइन जैसे हमने एग्जांपल देखा सेल परचेस प्रॉपर्टी का हुआ तो अगर क्या है अगर हमने मैनुअली उसको कीप किया तो क्या है इट इज वर्थलेस वो यूजलेस है फाइन ओके okay. या फिर हमने इसको एक जगह पे रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखा हुआ है और वो वैनिश uh, हो जाता है खराब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो भी उसका कोई यूज नहीं है ब्लॉक में क्या है एक रिकॉर्ड को मल्टीपल जगह पे रखा जाता है और दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी ऑल्टर राइट उसको उसको दैट रिकॉर्ड कैन नॉट बी चेंज वो रिकॉर्ड चेंज नहीं हो सकता फाइन और इस तरीके से क्या है और अगर कोई भी अपडेशन होता है तो वो क्या होता है मल्टीपल जगह ही वो अपडेशन विजिबल होगा फाइन ओके सो दिस इज वाई ब्लॉक चेन इज इम्पोर्टेंट नाव वी है इसके जो फीचर्स uh, क्या क्या है बहुत सारे इसमें से हमने कुछ यहाँ पे लिएटवर्क डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या है डिसेंट्रलाइज मीन्स आप ए, ए, एक जगह मतलब एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ग्रुप के पास जो एक्टिविटी है वहां से वो क्या हो हो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे आप दे दी जाए ठीक है सेंट्रलाइज क्या होता है जहाँ पे एक ही जगह सब कुछ होता है फाइन एक रिकॉर्ड कीपिंग एक ही जगह पे हो रही है लेकिन यहाँ पे क्या है ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन है जहाँ पे जो कंट्रोल है और डिसीजन मेकिंग है वो क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे दी गई है राइट right? बहुत सारे नेटवर्क पे है फाइन

सेम डेटा तो सबको पता है कि डेटा क्या है अगर कुछ भी चेंज होगा तो सबको पता चलेगा कि चेंज क्या हुआ है फाइन these networks also deter participants from exerting authority or control over one another in ways that degrade the functionality of the network। तो so, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक का control दूसरे के ऊपर है या एक कोई change करना चाहता है वो कर रहा है उसके अंदर नो no. ये क्या है डिस नेटवर्क uh, uh, है जहाँ पे टेक्नोलॉजी है जहाँ पे अगर कोई चेंज होना है तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब की कंसेंट चाहिए होती है फाइन नो, इम्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी क्या होता है यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इम्यूटेबल जो कैन, जो चेंज नहीं हो सकती राइट इम्यूटेबिलिटी मीन समथिंग कैन नॉट बी चेंज और अल्टर्ड ऐसी चीज जो ना तो चेंज हो सकती है ना ही उसको उसमें कोई छेड़छाड़ की जा सकती है नो पार्टिसिपेंट कैन टेम्पर विद द ट्रांजेक्शन वंस समवन हैज रिकॉर्डेड इट टू लेजर ठीक है शेयर लेजर पर अगर कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी है तो कोई भी पार्ट, पार्टिसिपेंट उसको चेंज नहीं कर सकता

ओके कॉन्सेंसस अ ब्लॉकचेन सिस्टम स्टेब्लिश रूल्स अबाउट पार्टिसिपेंट कंसेंट फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इसमें रूल्स होते हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स होती हैं तो ठीक है कि उनकी कोई भी चेंज हो रहा है तो उनकी कंसेंट रिक्वायर्ड है ठीक है यू कैन यू कैन रिकॉर्ड न्यू ट्रांजेक्शन ओनली वेन द मेजोरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क गिव देयर कंसेंट आप न्यू रिकॉर्ड तभी उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो जब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी कंसेंट आपको मिल जाती है फाइट शन जितने भी पार्टिसिपेंट्स है उनका क्या होता है लेजर पे एक्सेस होता है ठीक है जो भी रिकॉर्ड है उस पे एक्सेस है एंड इट्स इम्यूटेबल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन और जितने भी रिकॉर्ड क्या है इम्यूटेबल है राइट right? uh, uh, उनको चेंज नहीं किया जा सकता तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या होता है कंप्लीट एक्सेस होता है उस लेजर uh, के ऊपर राइट विद दिस शेयर्ड लेजर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली वंस ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक बार रिकॉर्ड किया जाता है एलिमिनेटिंग द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स दैट टिपिकली ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस नेटवर्क और कोई भी डुप्लीकेशन नहीं किया जा सकता फाइन तो यहाँ पे क्या है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एक शेयर्ड लेजर क्रिएट कर रहे हैं ओके कैन बी बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स बट नो पार्टिसिपेंट कैन चेंज दैट लेजर राइट ओके चिल्ड्रन नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद सम यूजफुल टॉपिक राइट टिल देन कीप एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर यूजफुल की